राजस्थान में चुनावी सरगर्मी काफी बढ़ी हुई है और बीजेपी ने अपनी परिवर्तन यात्रा में पूरी ताकत झोंक रखी है। सीपी जोशी सहित तमाम नेताओं ने भी पूरी ताकत झोंक रखी, लेकिन वही वसुंधरा राजे बीजेपी की परिवर्तन यात्रा से इतनी दूरियां क्यों? इस पर राजनीतिक गलियारों में जबरदस्त चर्चाएं हो रही है। वसुंधरा की गैर मौजूदगी यात्राओं के अंदर उसके कार्यकर्ताओं के गले नहीं उतर रही है। 12 में जो यात्रा हुई वहां भी नजर नहीं आई वसुंधरा राजे, जबकि उनके बेटे यानी कि सांसद दुष्यंत सिंह भी मौजूद थे। इसके बाद बहुत सारे सवाल हैं वो यहां पर खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल ये, क्या वसुंधरा राजे के बिना जीत पाएगी बीजेपी? वसुंधरा राजे का यात्राओं से दूरियों के क्या मायने हैं? आखिर बीजेपी हाईकमान ने क्या रणनीतियां सोच रखी है? ऐसे ही कुछ और भी सवाल है वो यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों जोश में हैं और पूरी तरह तैयारियों में लगे हुए हैं। बीजेपी परिवर्तन यात्रा सभी जिलों में निकाल रही है। शुरुआत उन्होंने सवाई माधोपुर से की थी। आखिर इस यात्रा के क्या मायने निकलेंगे? लेकिन जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे बीजेपी के अंदरूनी फूट है वो साफ नजर आ रही है। लेकिन हो सकता है इसका फायदा पूरी तरह कांग्रेस उठाएगी, जो पिछले 25 साल में नहीं हो पाया। क्या वो कांग्रेस इस बार करके दिखा पाएगी? क्या नहीं हुआ पिछले 25 साल में? सत्ता फिर से रिपीट नहीं हो पाई पिछले 25 साल में, तो क्या कांग्रेस इस बार सत्ता फिर से रिपीट कर पाएगी राजस्थान में? लेकिन इस बार कांग्रेस पूरी तैयारी में है और कांग्रेस की तरफ से पूरी एकजुटता है वो दिखाई जा रही है, और बीजेपी में कुछ पीछे नजर आ रही है बीजेपी इन मायनों के अंदर, या फिर हो सकता है कि बीजेपी की कुछ और ही रणनीतियां हैं। आपको क्या लगता है इस खबर पर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही और खबरों के लिए जुड़े रहिए राजस्थान संवाद के साथ। कौन देखता है अब टीवी? टीवी पर आपको कितनों ने देखा ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7333990049 पर।